जी मित्रों मेला लगे वा बाले माँ एफ पी ओ किसान मेला। चलो आप दिखावे बाला मंडी माँ जो कुछ चीज़ अपने लैवल की होगी उन्होंने पूछागे भी उसके। बाकी आप विजिट कर सक तीन दिन रहेगा 26, 27, 28 यहाँ तो सुनो तीन दिन रहेगा। तो पहला दिन आज शुरू होया यहाँ कूपन भी चल रहे पता है नहीं कैस के नहीं लक्की ड्रा बोल रहे करतार। ग्लोब ट्रैक 4x4 86 दो बढ़िया इंतजाम है जी एक बार आकर विजिट जरूर करिए। स्टॉल पेट्रोल की ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बीज है जी अपन किसानों इस चीज़ पर आना पड़ेगा भाई ऑर्गेनिक अपने घर का तैयार करने पड़ेंगे और नहीं मोदी तो लग रहा है लोगों उत्पादन कम कर रहा दवाइयाँ बेकार देगा तो अपन इस चीज़ पर ऑर्गेनिक पर आना पड़ेगा। एक बार यहाँ विजिट जरूर करियो कश्मीर वाले भी आए हो भाई चार पाता है ड्रोन है देखो स्प्रे करने वाला इसको पूछा इसमें भाइयों ने आप लोगों ने कब ज्वाइन किया ये ड्रोन है सर ये स्प्रे के लिए ना स्प्रे और ये बहुत बढ़िया सर्विस आ गई शुरू किया 450 रुपये च एक एकड़। अच्छा कितने लीटर की टंकी इसके नीचे यही है वैसे और प्राइस क्या रहेगा इसका 450 रुपये नहीं नहीं आप एकड़ बताओगे इतने एकड़ ये सर्विस करके देंगे आप। अच्छा अच्छा सर्विस प्रोवाइड करेंगे मतलब ये ड्रोन आप बेचना खरीदना चाहो बेच भी देंगे उनको कोई दिक्कत नहीं। मैं वैसे दूसरा प्राइस क्या रहेगा 5 लाख 5 लाख 450 ठीक है चलो 450 रुपये किले का सब्जी का ड्रोन पे भाई की थी जिम्मेदारी अपनी अपने खेत में तैयार करका माल की पैकिंग करका बेच रहा टाले भी खड़े स्टेज आ गई जी यहाँ थोड़ी देर पहला भंगड़ा भी पड़ा था यहाँ दोपहरा हो गया है ठंड समझू शायद पहली बार देखने को मिला भाई बड़े माँ कृषि मेला कृषि भी जो अपनी घर की भी यूज होने वाली चीज़ा वो भी सब यहाँ मिलेंगी आपको अचार दाला डंगर के प्रोडक्ट डेयरी फार्म पुआ दाले इन्हें भी भाई लंगर ला रखा तो खाना भैया स्प्रे ना खाद वाली मशीन है की जो सिद्धू मूसे वाले के डैडी ने भी तैयार करवाई है 735 है उसके पास भी वो
कोई पुराना मॉडल ट्रैक्टर उसके ऊपर लग सका। इसका टैंक है शेख बुरिया एक बार आपकी 4x4 है जी। वो ट्रैक्टर सिंपल चल जाएगा इसमें बड़े में मिलना भाई एक बार आकर देखो जरूर। स्प्रे वास्ते भी यूज हो जाएगी जी हाथ में भी। नलिकाले भी खड़े एक बार विजिट जरूर करो बहुत बढ़िया लगे भाई जो जो समान है इसमें ये भी तो देखने वाले नु कुछ पता कम है लोग यहाँ भीड़ कम है संजन शायद ज़्यादा भीड़ हो क्योंकि गर्मी के टाइम में भी लोग निकलना नहीं चाहते। ठीक है धन्यवाद।